क्या हो रही तू? लड़ाई भी क्यों? अरुण कमरे में कोई था। कौन था? बिल्ली बिल्ली होगी, तुम्हें ऐसे लगा होगा। नहीं अरुण, कोई बिल्ली नहीं थी, कमरे में कोई था। तू प्लीज, तुम ये रात को ना हॉरर नॉवल पढ़ना छोड़ दो। जब भी पढ़ती हो ना, तुम ऐसे ड्रामे करती हो। अरुण तुम मेरी बात का विश्वास भी नहीं करते। मेरे साथ ऐसा बहुत दिनों से हो रहा है। सो जा, कुछ नहीं। अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने वाली रितु को अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा था और इसी एहसास ने धीरे धीरे उसके जहन पर हावी होकर डर की शक्ल ले ली थी। या रितु का सिर्फ ये वहम था या सचमुच कोई उसका पीछा कर रहा था। क्या हुआ बहू? पापा यहाँ कोई था क्या? नहीं तो यहाँ कौन आएगा भला? पापा ऐसा लगा कोई खिड़की से झांक रहा था। अरे अरे नहीं बेटा, मैं तो कब से यहाँ बैठा हूँ, यहाँ कैसे आ जाएगा कोई? नहीं पापा मेरे यकीन कीजिए, कोई था। अरे बेटा तू ऐसे ही घबरा रही है, यहाँ कोई नहीं है। कौन आएगा भला यहाँ पे? कोई भी नहीं है इधर तो। मैं कब से बैठा हूँ यहाँ? नहीं पापा मेरा यकीन कीजिए, कोई था। और बहुत दिनों से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। कोई था पापा, सच्ची कोई था। बेटा ऐसे नहीं हो सकता, चलो आओ आओ तुम मेरे साथ आओ। कोई नहीं था यहाँ, ऐसे घबराती हो तुम। अच्छा पापा मैं चलता हूँ। अरे अरुण बेटा एक मिनट बैठ जरा। पापा मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। अरे एक मिनट, कुछ बात करनी है तुझसे। अरे क्या हुआ पापा? बेटा बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल ठीक है, क्यों क्या हुआ? वो कुछ ऐसे बहकी बहकी सी बातें कर रही है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और बहुत घबराई सी है। तू हंस क्यों रहा है? नहीं मतलब जो रात में आता था दिन में भी आना शुरू हो गया। क्या मतलब? पापा कुछ नहीं है, वो क्या है ना आजकल हॉरर नॉवल पढ़ रही है तो उसके कैरेक्टर ना सर चढ़ के बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। नहीं बेटा हो सकता है कोई ऐसी बात हो तो थोड़ा ध्यान। पापा घबराने के लिए वो बहुत है, अब आप मत शुरू हो जाओ। चलता हूँ। ठीक है आशीर्वाद। आम जिंदगी में हम सभी हॉरर फिल्म देखते हैं और हॉरर बुक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन रितु की जिंदगी में जो हो रहा था वो बिल्कुल अलग था। क्या वाकई रितु के साथ ये सब हॉरर मूवीज और हॉरर बुक्स पढ़ने की वजह से हो रहा था या वास्तव में कुछ ऐसा था जिससे सब अनजान थे? रितु की बात का अरुण यकीन कर पाता, उससे पहले ही कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। नान साहब। अरे कौन है, क्या हुआ? क्या मैम साहब? अरे क्या हुआ, मैम साहब को कुछ बोलेगा अभी, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या? बहू बहू खुद, ये तो स्वास्थ्य नहीं चाहिए। हेलो, हाँ अरुण,
बेटा तू जल्दी घर आ जा, घर आ बेटा, वो बताता हूँ मैं तुझे। ये क्या हो गया? हेलो पुलिस स्टेशन। मैं देव हूँ, ससुर हूँ इसका। सबसे पहले लाश को किसने देखा? सबसे पहले तो आकाश ने देखा था, उसी ने मुझे आवाज लगाई। मैं ऊपर के कमरे में था। बुलाओ इसे आकाश को। तू क्या कर रहा था यहाँ पे? हम कुछ पेट्रोल का सामान ले रहे थे। इनके पति कौन है? जी ये है अरुण। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है मैम। और इन सबको साथ लेके चलो। कभी कभी अपनों की बात को इग्नोर करना कितना भारी पड़ सकता है, इस बात का अंदाजा अरुण को हो चुका था। लेकिन अरुण पछताने के सिवा कर भी क्या सकता था? अरुण ने ऋतु के डर को समझा होता और ये जानने की कोशिश की होती कि उसके साथ कौन और क्यों ऐसा कर रहा है, तो आज ऋतु जिंदा होती। मैम ऋतु को मेरे जीजा और उसके बाप ने ही मारा है। मैं ऋतु को क्यों मारूंगा, मेरी बीवी थी वो। मैडम वो ऋतु पर पैसे लाने के लिए दबाव डालते थे। नहीं नहीं ये बात बिल्कुल गलत है, ऋतु मेरी बेटी जैसी थी, हमने पैसों के लिए कभी भी उससे कुछ नहीं कहा। उसकी फैमिली का कहना है कि वो हर महीने कई हजारों रुपए लेने के लिए उनके पास जाती थी। मैडम ये बात सच है कि रितु अपनी फैमिली से पैसे मांगने जाती थी, लेकिन अपनी मर्जी से, हमने तो उसे काफी बार मना भी किया। पापा मुश्किल तो है बट मैनेज करते हैं किसी तरह, काम तो ये अच्छा है, इसमें रिस्क भी नहीं है कोई। लेकिन वही प्रॉब्लम है ना कि कहाँ जा रही हो तुम? मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। किस लिए? उनसे मिल लूंगी और वो पैसों की बात भी हो जाएगी। नहीं 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 बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो क्या हुआ पापा, वो भी तो मेरा अपना ही घर है। रितु प्लीज तुम वहाँ से पैसे नहीं मांगोगी बस। अरुण तुम समझते क्यों नहीं, हमें पैसों की जरूरत है। रितु प्लीज हम मैनेज कर लेंगे ना, तुम वहाँ से पैसे नहीं मांगोगी बस। ठीक है मैं पैसे नहीं मांगूंगी पर मैं मिलने तो जा सकती हूँ ना। ठीक है पापा बाय। बाय अरुण। अगर तुम पैसों की डिमांड नहीं करते थे तो क्यों सुसाइड कर लिया उसने? कहीं तुम्हारा किसी और के साथ? मैडम ऐसा कुछ भी नहीं, और मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि रितु ने सुसाइड क्यों किया। मुझे तो लगता है कि किसी ने उसका मर्डर किया। आप प्लीज कुछ कीजिए ना। इंस्पेक्टर एक बात है, पिछले कुछ दिनों से वो बहुत डरी हुई। एक मिनट बोलने दो ना। मैं आपको बताता हूँ मैडम, एक्चुअली क्या है कि वो कुछ महीनों से हॉरर नॉवल पढ़ने लगी थी, कुछ चीजें उसके दिमाग में बैठ गई थी, उसे डर लगने लगा था, उसे लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है या उसे मारने की कोशिश कर रहा है। बस इतनी सी बात है, ऐसी बहुत सारी गलत फहमियां थी पापा के बारे में। तुम लोग ये बोल रहे हो कि वो हॉरर नॉवल पढ़ती थी, उसमें भूतिया असर था और वो मर गई। आप यकीन करें या ना करें लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है बिल्कुल पागलों जैसी बातें करते हुए। ठीक है तुम लोग जा सकते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ी तुम दोनों को आना होगा यहाँ पर। जी मदन। जी मैं। इन दोनों पे नजर रखो। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? आज मेरी बेटी के कातिल खुले घूम रहे हैं। हम उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। हम आपके सबूत इकट्ठा करने का इंतजार करते रहे क्या? हमारी बहन का कत्ल हुआ है, इसका बदला हम खुद ले लेंगे। देखिए आप लोग समझिए, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको जो कार्रवाई करनी हो कर लेना, हम किसी कार्रवाई से नहीं डरते। एक मिनट बैठो नीचे, शांत जाओ। रमेश जी हम अरुण अधीर से द्वारा बातचीत करेंगे। इंस्पेक्टर पूछताछ नहीं, आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए। आप लोग आइए मेरे साथ आइए, आप प्लीज खड़े भैया चलिए।
रितु के माँ बाप से मिली जानकारी के बाद पुलिस को यह लगने लगा था कि रितु की मौत के पीछे अरुण या देव का हाथ हो सकता है। पुलिस के लिए केस अभी भी गुत्थी बना हुआ था कि रितु ने खुदकुशी की या फिर उसकी हत्या हुई। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी थी तभी इस केस में नया मोड़ आ गया।